आदित्य अकादमी जोगिंदर नगर में शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। गेस्ट लेक्चर अग्निशमन केंद्र जोगिंदर नगर के प्रभारी शेर सिंह सकलानी द्वारा किया गया। उन्होंने परीक्षार्थियों को जीवन को सुव्यवस्थित कर जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने का तरीका बताया, साथ ही परीक्षार्थियों को जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं आदित्य अकादमी के निदेशक नीरज भारद्वाज ने कहा कि भविष्य के लिए चिंतित युवाओं का बेहतर मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि 4 व 6 मार्च से अकादमी में आर्मी भर्ती के लिए विशेष बैच शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारद्वाज, चेयरमैन आदित्य अकादमी जोगिंदर नगर। तो आज हमने अपने विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया था, जिसके लिए हमने थाना जो फायर स्टेशन इंचार्ज जोगिंदर नगर श्री शेर सिंह सकलानी जी को स्पेशली इनवाइट किया था, और उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संबंधी टिप्स दिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि यह सेमिनार मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था जो आगामी 3 मार्च को पालमपुर में भर्ती के लिए जो है हिस्सा लेंगे, और उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मार्च और 4 मार्च और 6 मार्च से आर्मी के लिए स्पेशल बैच शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए आप एकेडमी में आके पंजीकरण करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं आदित्य एकेडमी का नीरज जो इस एकेडमी के चेयरमैन हैं, मैं अपने हिमाचल फायर सर्विस की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और इस एकेडमी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बड़े खुशी की बात है कि आपके बीच में हमें रूबरू होने का मौका मिला और अपनी इस हिमाचल फायर सर्विस के बारे में थोड़ा सा जानकारी की आपके समक्ष रख रहा हूं कि हिमाचल फायर सर्विस का रोल क्या, सबसे पहले कि हम लोगों को किस प्रसार से लोगों की जान और माल का कैसे हम लोगों ने बचाना है। आज हम लोग आपस में किस भाईचारे के साथ और किस प्रकार हम लोग जो है कार्य करते हैं, आप लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं आप लोग, परंतु आज एक फायर सर्विस में एक ही काम नहीं रहा है कि आग बुझाना ही रहा है। आज फायर सर्विस में किसी प्रकार का ही रेस्क्यू है, चाहे किसी के घर पे सांप निकल जाए, बच्चा सीवरेज के टैंक में गिर जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी प्रकार का भी डिजास्टर हो जाता है, तो उस वक़्त हम लोगों ने किस प्रकार से कार्य करना है। जो हमारा रेस्क्यू वर्क है फायर सर्विस में, हमारे जो कर्मचारी हैं वो एक से बढ़कर एक हैं रेस्क्यू वर्क में, और कितनी भी बड़ी हाईराइज बिल्डिंग है उस पर हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, मैं इतना ही कहता हुआ इस आदित्य एकेडमी का अपनी हिमाचल फायर सर्विस की ओर से इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सुख।